हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दिल्ली गर्ल शिप्रा। तो आज की मेरी ये वीडियो होने वाली है हेयर केयर पे। सो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे तो मैंने हेयर केयर पे एक वीडियो बनाई थी टी वाटर के साथ। नहीं देखी, जाके देखो, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सारे लिंक चेकआउट करो और वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही इजी एक मैंने होम रेमेडी बताई थी और 100% इफेक्टिव रिजल्ट को आपको देगी। दो से तीन बार छोड़ो, पहली बार में ही आप यूज करोगे ना तो उसमें रिजल्ट आएगा। मुझे खुद रिजल्ट पता चला, मेरे बाल भी बहुत ज्यादा डल एंड फ्रिजी हो गए थे, कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ अच्छा नहीं लगता था। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको वो वाला ट्राई करना चाहिए और आज का तो उससे भी पहले ट्राई करना चाहिए। सो आज जो हेयर मास्क मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एग का हेयर मास्क, एग और कर्ड का हेयर मास्क होने वाला है। ये हेयर मास्क मैं आज से करीबन 4 से 5 साल पहले से यूज करती आई हूँ। मुझे किसी भी पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाना होता है, किसी भी गेट टुगेदर में जाना होता है, तो उससे एक दिन पहले मैं ये हेयर मास्क लगा के अपने बालों में शैम्पू कर लेती हूँ। किसी भी तरह के कंडीशनर की या सिरम की आपको इसके बाद बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ईजी है इसको बनाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 एग, हमें चाहिए होगा आधा बोल दही और हमें चाहिए थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। तो चलिए अब देख लेते हैं इस हेयर मास्क को बनाना कैसे है। आपको अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से एग की क्वांटिटी ज़्यादा या कम करनी है। आपको इसका वाइट पार्ट ही लेना है एग का, बट अगर येलो पार्ट भी थोड़ा बहुत गिर जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। एग जो है वो आपके बालों को ऊपर से प्रोटीन देगा, आपके बालों को सिल्की एंड शाइनी बनाएगा, हेल्दियर बनाएगा आपके बालों को और आपके बालों को स्ट्रांग भी करेगा एग। बाकी चीज़ें एक तरफ और ऑयल का नरिशमेंट एक तरफ, इसलिए आपको 1/2 टीस्पून ऑयल डालना है, जो भी आप हेयर ऑयल अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपको 1/2 बोल उसमें कर्ड डालनी है। कर्ड अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो सारी प्रॉब्लम कर्ड दूर कर देगा, आपके स्प्लिटेंस कर्ड से हटेंगे, सिल्की और स्मूथ बनाने में भी कर्ड हेल्प करेगा और आपके बालों की जो रूट है वो भी कर्ड से मजबूत होंगी। तो आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिला लीजिए, अच्छे से आपको इसको मिलाना है। तो ये हमारा हेयर मास्क बनके तैयार है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको लगाना कैसे है। पहले आपके बाल में एक भी टैंगल नहीं होना चाहिए, अच्छे से अपने बालों को सुलझा लीजिए। उसके बाद आप हाथों की हेल्प से या फिर जैसा कि मैं अभी ब्रश की हेल्प से अपने बालों में लगाऊंगी, आप वैसे भी इस हेयर मास्क को अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये प्रोसेस थोड़ा सा मैसी हो सकता है। 1/2 पार्ट में ऊपर से लगाने के बाद आप, मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सेक्शंस में डिवाइड करके लगाना शुरू कर दिया है। क्लचर की हेल्प से मैं थोड़े अपने बालों के सेक्शंस को मैनेज कर रही हूँ। इस हेयर मास्क को आपको अपने बालों में रूट से लेकर अपने टिप्स तक लगाना है, क्योंकि ये हेयर मास्क आपके रूट को मजबूत करने के लिए, आपके बालों को हेल्दी बनाने के लिए और आपके स्प्लिटेंस हटाने के लिए भी है। प्रोसेस आपको राइट हैंड साइड करना है, बालों को सेक्शन डिवाइड करके उसको लगा लीजिए। बालों के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ लगाने के बाद भी मेरा ये हेयर मास्क बच गया, तो मैंने अपने बालों को अच्छे से टाई अप करके ऊपर से भी इसको लगाना शुरू कर दिया। ये हेयर मास्क मैं बहुत पहले से लगा रही हूँ और ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इसको लगाइए और रिजल्ट देखिए। तो कैसा लगा DIY? अच्छा था ना? इतना ही इफेक्टिव भी है जितना ये दिखने में इजी है ना, उतना डबल ये इफेक्टिव है। तो आप ये जरूर लगाना और आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। आप अगर ये वाला DIY अपने बालों में महीने में 3 से 4 बार करते हैं तो सिर्फ 2 मंथ में आपके बाल फ्रिजी होना बंद हो जाएंगे, डल बाल से हेल्दियर बाल की तरफ जाने लगेंगे।
आपके बाल बहुत ज्यादा थिक भी होने लगेंगे, क्योंकि एग में होता है प्रोटीन जैसा कि मैंने बताया, और आपके बालों की जो भी ग्रोथ होती है उसके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन बॉडी में इनटेक जितना जरूरी है, प्रोटीन उतना लगने में भी जरूरी है। हम आजकल बाहर जाते हैं सलून्स में और कैरेटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, तो कैरेटिन ट्रीटमेंट होता है आपके बालों को प्रोटीन लगाना। तो कैरेटिन ट्रीटमेंट से तो इस हेयर मास्क का मैं कंपेयर नहीं कर रही, बट आप घर पे बहुत ही इजी तरीके से ये बना सकते हैं और अपने बाल को प्रोटीन दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आगे भी ऐसी वीडियोज देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।